गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 6 अक्टूबर 2022, टाइम हो रहा है 8:44:22। जी हाँ, आज इतना जल्दी वीडियो स्टार्ट करने का एक ही मकसद है कि एवरीडे यू नीड टू रन योर बॉट एंड बिफोर टाइम आपको रेडी रहना है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो है ब्रोकर्स में ओटीपी एंड टीओटीपी की फैसिलिटी आ गई है। उसके साथ साथ ब्रोकर को कनेक्शन करना है, सारा स्टेप को मेंटेन करना है, तो आप बिफोर टाइम अगर रेडी रहेंगे, बिफोर टाइम अगर अपना काम शुरू खत्म करके बॉट को पूरा तैयार करके रखेंगे, तो आपका कभी ट्रेड मिस नहीं होगा। अगर आप लास्ट मिनट में 9:05, 9:10 को ये सब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं 1-2 मिनट लेट हो जाए। तो इसी वजह से 8:45 को आज मैं स्टार्ट किया हूँ। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन ऑन करके दिखाता हूं। वेलकम टू AlgoHat बॉट ऐप। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन हमारा ऑन हो गया है। अभी हम गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करेंगे। यहाँ पे एक चीज है कि जो हमारा प्राइमरी ब्रोकर है, हमने चेंज कर दिया था प्रीवियस डे, मतलब यानी कि कल कुछ टेस्टिंग करने के लिए, पर हमें प्राइमरी ब्रोकर अलग रखना है। ये चीज ध्यान रखिए, जो लोग मल्टीपल अकाउंट एक ही एप्लीकेशन के अंदर ऐड करते हैं, ये मेरा प्राइमरी ब्रोकर होना चाहिए। जो होना होगा उसमें एडिट बटन दबा के सेट एज प्राइमरी करके सेव एंड अपडेट में क्लिक कर देंगे, तो वो प्राइमरी ब्रोकर सेटअप हो जाएगा। उसके बाद कनेक्ट में जाके हम क्या करेंगे, अभी प्राइमरी ब्रोकर को कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्ट में क्लिक करेंगे और कनेक्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये जो प्रोसेस होने में काफी टाइम लग जाता है, 35 से 40 सेकंड लग जाता है। देखिए अभी 8:46:10 से हम काउंट करते हैं और कब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं आपको अपडेट करता हूं। देखिए दोस्तों, अब जाके कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। इसमें मोटा मोटा आपको 30 सेकंड का टाइम लगा है दोस्तों। देखिए, सक्सेसफुली कनेक्टेड टू अलाइस ब्लू ब्रोकर, यहाँ पे नीचे भी आ गया, जहाँ पे पहले नन था रेड में, यहाँ पे आ गया अलाइस ब्लू 2KV-673647 का नोटिफिकेशन आ गया है। दूसरा चीज है, हम एवरीडे जो 5P में स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कैंडल डेटा की जरूरत होता है, और अलाइस ब्लू का कैंडल डाटा उतना रिलायबल नहीं होता, इसीलिए हम एक सेकेंडरी सोर्स या ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं, जो है फायर्स, और फायर्स से कनेक्ट करके हम OHLC डेटा सर्विस लेते हैं फायर्स से। ठीक है, डेफिनेटली जो भी सर्विस लेंगे उसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद कनेक्ट बटन हम लाएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फायर्स को कनेक्ट करने के लिए फायर्स की मैकेनिज्म जो API क्या है वो थोड़ा अलग है। पहले आपको ऑथो कोड जनरेट करना पड़ता है, और ऑथो कोड के बाद ही आप कनेक्ट नाउ दबाओगे तभी कनेक्शन होगा। एवरी सिंगल डे आपको सुबह मॉर्निंग ऑथो कोड जनरेट करना ही पड़ता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फायर्स। तो क्लिक हियर में क्लिक करेंगे, क्लिक येस टू गो टू द लिंक, येस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक पेज खुल जाएगा, जिस पेज में आपको यूजर आईडी पूछेगा, अगर आपका ओटीपी टीओटीपी है वो पूछेगा, 4-डिजिट पिन पूछेगा, पासवर्ड पूछ सकता है, और ये एंटायर फ्लो कंप्लीट करने के बाद आपको ऑथो कोड मिल जाएगा। वेट करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ओटीपी डाल दिया है, कंफर्म ओटीपी में क्लिक करेंगे तो 4-डिजिट पिन मांगेगा। जैसे ही मैंने 4-डिजिट पिन दबा दिया, वहां पे आपको आपका ऑथो कोड है वो जनरेट होके आ जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ फिर से टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पे ऑथो कोड के प्लेस पे राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट दबाता हूँ और कनेक्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। इतना करते ही मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। यहाँ तक आपको रेडी रहना है, 8:45, 8:50 के टाइम में आप डेफिनेटली अपना सिस्टम ऑन करके इतना काम एटलीस्ट खत्म कर दोगे, तो आपका कभी ऑर्डर डिले नहीं होगा। स्टार्ट बटन दबाने में 2 सेकंड लगता है। वेट करते हैं दोस्तों। वेलकम बैक दोस्तों, टाइम 9:10:25 हो रहा है। अब अगर मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी को हम देखेंगे तो 233.65 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है आज बैंक निफ्टी। जैसे ही कोई भी मार्केट ओपन होता है आप लोगों को अपडेट करता हूं।
दोस्तों टाइम 9:14:56 हो चुका है। हम क्विकली अपने बॉट में जाएंगे और एंट्री बुक के सारे एंट्री को डिलीट कर देंगे, प्रीवियस एंट्री को और प्रीवियस एग्जिट्स को भी डिलीट कर देंगे और स्ट्रैटेजी टैब में जाके स्टार्ट बटन दबा देंगे। इतना करते ही हमारा स्ट्रैटेजी रेडी हो जाता है अपना काम करने के लिए। देखिए मार्केट अभी शुरू हो चुका है दोस्तों, गैप अप खुल के पहला कैंडल और ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूं अच्छे से, देखिए एक सेकंड दोस्तों। जी हाँ रिफ्रेश हो गया है, ऊपर ऊपर ही ऊपर मार्केट खुल रहा है, वहीं पे मंडरा रहा है दोस्तों, अप डाउन कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो भी एम्बिग्यूटी होगी वो हमें क्लियर हो जाएगी जब हमारा पहला डेटा, कैंडल का डेटा हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। पहला कैंडल का डेटा जैसे ही आ जाएगा वहां से हमारा एम्बिग्यूटी सारा ये हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अभी देखिए जो हमारा टीएम लूप अभी स्टार्ट चल रहा था, यानी कि ट्रेड मैनेजर लूप चल रहा था, अभी स्ट्रैटेजी मैनेजर लूप जो है वो अभी भी स्टार्ट हो गया है। स्ट्रैटेजी मैनेजर लूप टीएम लूप के साथ एसएम लूप भी चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा पहला कैंडल का डेटा आ चुका होगा पर इसका क्या आउटकम है अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं कैंडल के डेटा को और थोड़ा सा ये करता हूँ। देखिए कभी कभी हमें गलत डेटा मिलता है पर हमारे जो एपीआई है, एपीआई के थ्रू से हमें सही डेटा मिला होगा। देखिए 9:15 का ओपन है 39,343, हाई है 39,532 और लो है 39,307, 532 और 307 वो है कि नहीं है हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे जो है एग्जैक्ट डेटा अभी हमें नहीं दिखा रहा है पर दिखा देना चाहिए था दोस्तों, अभी तक दिखा देना चाहिए था दोस्तों। अब देखिए अब दिखा रहा है, अब देखिए पहला कैंडल का लो बन के आ रहा है 307 और हाई बन के आ रहा है 532, जो कि हमें बहुत पहले से पता चल गया था। यहाँ पे कैंडल एम्बिग्यूटी जिसको बोलते हैं वो कभी कभार होता है। अभी देखिए एक एंट्री आ चुका होगा, देखिए दोस्तों एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा एक एंट्री एग्जीक्यूट हो चुका है जो कि 39,400 के पुट में 190.05 के भाव में हमें ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुका है दोस्तों, 39,400 के पुट में, एंड इसका नोटिफिकेशन भी हमें आ गया है। एंड यहाँ पे देखिए एंटर ए शॉर्ट पोजीशन थ्रू बाइंग 39,400 पी, यहाँ पे हमारा लॉग बुक में भी नोटिफिकेशन आ गया है। हम सीधा सीधा हमारे एग्जिट बुक में जाते हैं, यहाँ पे एक एंट्री बुक में पहले देख लेते हैं कौन से प्राइस में एंट्री हुआ है। एंट्री प्राइस हुआ है 39,376.55, वो क्या है इस कैंडल का लो। देखिए 39,376.55 में हमारा एंट्री हुआ है, देखिए ये कैंडल का लो में, यानी कि 9:16 के कैंडल के लो में हमने ऑलरेडी अपना एंट्री जमा लिया है। अब एग्जिट बुक में जाएंगे और यहाँ पे दोनों टारगेट एंड स्टॉप लॉस को हम देख लेंगे। पहला टारगेट बन के आ रहा है 39,201 एंड दूसरा टारगेट बन के आ रहा है 39,114। ठीक है, बड़ा कैंडल का टारगेट है आज दोस्तों और दोनों का स्टॉप लॉस 39,464 पे पड़ा हुआ है। तो अगर यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो यहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस का लाइन भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं दोस्तों, एक सेकंड। यहां पे एक हॉरिजॉन्टल ले लेंगे और यहां पे हमारा स्टॉप लॉस का लाइन है जिसको हम रेड कर देंगे क्योंकि वो स्टॉप लॉस का लाइन है। पहला टारगेट क्या बन के आ रहा है दोस्तों, 39,201 और दूसरा 114, 39,201 हम चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं, 39,201 यहाँ पे काफी नीचे है दोस्तों, 201 जी हाँ इसी प्राइस के आसपास है, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये टारगेट लाइन है। दूसरा टारगेट लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं 39,114, फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों 39,114.05। ठीक है, तो इन दोनों को मैं एडजस्ट कर लेता हूं उनके वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊंगा, 39,200 नहीं है, 201.005 आई थिंक, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 201.55, यहाँ पे हम 201.55 डाल देंगे और यहां पे डालेंगे हमारा
11.14.05 ओके कर लेते हैं दोस्तों। अगर यहां तक मार्केट आता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल हो जाएगा, अगर यहां तक मार्केट नहीं आता रिवर्स करता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। वेट करते हैं दोस्तों। दोस्तों एक टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था यहां तक जब मार्केट आया था, पर वहां से रिवर्स होके अभी कॉस्ट के ऊपर रन कर रहा है दोस्तों। हमारा एंट्री इस पॉइंट पे हुआ था, एंट्री का भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, वो भी हमारे लिए मतलब हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा। एंट्री लाइन के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है मार्केट, यहाँ इसको ब्लू कर देता हूँ। अगर यहाँ तक जाता है तो डेफिनेट बेसिस हमारा स्टॉप लॉस ही जाएगा दोस्तों और कुछ नहीं। तो एंट्री लाइन का एग्जैक्ट प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एंट्री बुक में झांक के। एंट्री बुक में दूसरा एंट्री आप इग्नोर करिए जिसको मैंने बस ट्रायल के लिए देख रहा था। यहाँ पे जो एंट्री प्राइस है 39,376.55 है, 39,376.55। तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, 39,376.55 रहता है और इसको ओके कर देंगे। देखते हैं दोस्तों यहाँ से मूवमेंट फिर नीचे की तरफ देता है या ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है। दोस्तों मार्केट वापस से वो लो पे आ चुका है जहां से वो घूम के ऊपर गया था, होपफुली इस बार नीचे आके हमारा टारगेट दे दे। पर मार्केट मार्केट है दोस्तों, वो सुप्रीम है, उसको हम कुछ कमांड नहीं कर सकते, उससे बात हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट एनीवे मार्केट अपनी ही मनमानी करेगा, जो भी है मार्केट अपना ही राजा है। तो वेट करते हैं दोस्तों क्या होता है इसके बाद। दोस्तों मार्केट घूम फिर पे उसी प्राइस पे आ चुका है जहां से दो बार रिजेक्शन दिया था, इस बार ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए ये जो लेवल है 39,260 के आसपास, वो लेवल से मार्केट ने यहाँ भी रिजेक्शन मारा, यहाँ भी रिजेक्शन मारा, इस बार उसको ब्रेक कर चुका है दोस्तों। हमारे टारगेट के आसपास मंडरा रहा है दोस्तों, आसपास तो नहीं बोलूंगा, जो है काफी नजदीक आ गया है। वेट करते हैं दोस्तों, वापस से नीचे फिर जाके सपना दिखा के वापस से एंट्री के आसपास आके मंडरा रहा है दोस्तों मार्केट। तो इस बार अगर ऊपर लेके जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ही जाएगा दोस्तों। वेट करते हैं क्या होता है कैसे होता है। दोस्तों लगता है आज स्टॉप लॉस वाला डे है, तो यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस का प्राइस जो है वो 39,462 के आसपास है, 430 के आसपास चल रहा है, यानी कि 30 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। स्पॉट में 30 पॉइंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वेट करते हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस के बेहद करीब आ चुका है मार्केट, किसी भी वक्त हमारा स्टॉप लॉस काट सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट दूर है स्टॉप लॉस से दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट दूर, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी अभी तो 3 पॉइंट दूरी है। किसी भी वक्त ये स्टॉप लॉस कट जा सकता है दोस्तों, एंड कट जाता है तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आज का ट्रेड खत्म हो गया है। देखिए 60-62 आ गया है, पोजीशन कट जाना चाहिए दोस्तों, पर अलाइज ब्लू से अब नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। अब हमारा एग्जीक्यूट हो गया है दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा जो है पोजीशंस, यानी कि आज का ट्रेड हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। एंड ये अगर हम कंप्लीट हो गया है तो पोजीशन सेक्शन में जाएंगे तो 7,000 के अराउंड का लॉस आज के डेट में हमारा हुआ है दोस्तों। तो ये जो छोटा 94 का है उसको आप इग्नोर करिए, 7,237 ये आज का लॉस बन के आया है। इस बार हम चार चार लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, इससे पहले वाले मंथ में हम जो है दो दो लॉट से ट्रेड करते थे, इस बार हमने क्वांटिटी बढ़ाया इसलिए आपको स्टॉप लॉस बड़ा भी दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, लाइव ट्रेड अभी हो रहा है मार्केट में दोस्तों। इसी के साथ आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म करते हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पर देखिए एक चीज मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहूंगा, ये पूरे ट्रेडिंग प्रोसीजर में मैंने एक बार भी यहाँ पे पोजीशन बुक को नहीं देखा, क्योंकि वो सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट होता है जो आपको इमोशनल कर देता है। क्योंकि मतलब जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा था एक टाइम में 8,000 प्लस की प्रॉफिट चल रही थी, मैं मतलब मन ही मन कैलकुलेट कर पाता हूँ, नो प्रॉब्लम, प्रीमियम्स को देख के, सॉरी कहीं अलग जगह आ गया, प्रीमियम्स को देखे मनी मन कैलकुलेट कर पाता हूँ। पर उस टाइम में 8,000-8,500 के आसपास का प्रॉफिट भी चल रहा था एक टाइम में, पर हम टारगेट पे ही निकलते हैं, बिना टारगेट के नहीं निकलते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट था, पहला टारगेट यहाँ पे था और दूसरा टारगेट यहाँ पे था, इसीलिए यहाँ से घूम के यहाँ तक वो चला गया, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस गया। हम हमेशा स्टिक टू द टारगेट रहते हैं, टारगेट आएगा तब लेंगे, नहीं आएगा
नहीं लेंगे, दैट इज द ओनली पॉलिसी। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप पोजीशन बुक में ना झांको, अपने पोजीशन को ना झांको। अगर पोजीशन को झांकोगे इमोशन आएगा और ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।